हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम 15 अगस्त 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 12 अगस्त। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्वच्छ नगर ऐप। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ नगर ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक ऐसा ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट, ठोस, गीला या निर्माण और विध्वंस करने की अनुमति देगा। उनके शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट जल उपचार पर एक नया प्रोटोकॉल के साथ एकत्र किया जाएगा जो शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का एक हिस्सा बन जाए। वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है वो हैं हरदीप सिंह पुरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, आरपीएफ। आरपीएफ के द्वारा। भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे परिसर परिचालित क्षेत्र, पार्किंग और यहां तक कि नो पार्किंग के क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए पार्क किए गए सभी वाहनों की पहचान और सत्यापन के लिए एक कोड नाम ऑपरेशन नंबर प्लेट के साथ एक विशेष अभियान चलाया है। अज्ञात वाहनों को यात्रियों और रेलवे के अन्य हितधारकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है, उसी के मद्देनजर ये ऑपरेशन नंबर प्लेट शुरू किया गया है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवेशकों के सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन 12 अक्टूबर से श्रीनगर में 3 दिनों के वैश्विक निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन जम्मू और कश्मीर की अपनी शक्ति, रणनीति और क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। यह बाहरी व्यापार और व्यापारिक समुदाय के मन में डर और आशंकाओं को दूर करने का एक अवसर प्रदान करेगा। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है और उसी के तहत ये अब निर्णय लिया गया है, और ये निर्णय लिया, वैश्विक निवेश सम्मेलन होना है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, यह है भारत का मैप और इसमें जम्मू कश्मीर, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पाकिस्तान देश से लगती है। यहाँ के जो कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू है, और यहाँ पे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जम्मू कश्मीर जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 883 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 67.16%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 76.75% और महिला साक्षरता दर है 56.43%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ले स्नेजिडर ने संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, फुटबॉल।
नीदरलैंड के सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी वेस्ले स्नेजिडर ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने देश के लिए 134 मैच खेले हैं और उनके कैरियर में एक विश्व कप उपविजेता पदक के साथ साथ चैंपियन लीग, ला लीग और सीरी ए खिताब भी शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 किस राज्य ने वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में उच्च शिक्षा में अपनी उपलब्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहला नेतृत्व पुरस्कार जीता है। अब यह पुरस्कार जीता है राजस्थान ने। तो राजस्थान के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, यह है भारत का मैप और इसमें राजस्थान, यह है राजस्थान। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान देश से भी लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कल्याण सिंह और यहाँ की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। राजस्थान जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सातवां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि पहला राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 928 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 66.11%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 79.19% और महिला साक्षरता दर है 52.12%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सेफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रियम चटर्जी। प्रियम चटर्जी फ्रांस की सरकार द्वारा भारत में गैस्ट्रोनॉमिक दृश्य को फिर से स्थापित करने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए शेवेलियर डे लार्डे डू मेरिट एग्रीकोलेटो से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए हैं। चटर्जी को अपने मूल राज्य पश्चिम बंगाल से पारंपरिक व्यंजनों को पेश करने और इसे एक फ्रांसीसी रूप देने के लिए जाना जाता है। आर्डे डू मेरिट एग्रीकोल यानी कि ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा कृषि खाद्य उद्योग और गैस्ट्रोनॉमी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अब यह सम्मान फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। तो फ्रांस के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, यह है वर्ल्ड मैप और इसमें फ्रांस, यह है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ की करेंसी है यूरो। ये फ्रांस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और क्वेश्चन के, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को किस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, वीर चक्र। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, स्वतंत्रता दिवस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनावपूर्ण सैन्य टकराव का चेहरा बन गए थे जब 26 फरवरी को बालाकोट हवाई हमले के बाद 27 फरवरी को भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच हवाई लड़ाई के दौरान उनके मिग 21 गोली लगकर नीचे गिर गया था। इससे पहले कि उनका जेट गिरता, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। F-16 पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी कि AAA के एथलीट आयोग में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पीटी उषा। भारत के महानतम एथलीटों में से एक पीटी उषा को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पीटी उषा को दूसरी बार एशियाई एथलेटिक्स संघ के एथलीट आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। पीटी उषा AAA एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक होंगी, जिसकी अध्यक्षता 1992 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता
उज्बेकिस्तान के हैमर थ्रोअर एंड्री अब्दुल लीव हैं, एंड्री अब्दुल लीव करेंगे। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, क्वेश्चन है, मिशन रीच आउट कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। ये आज के यानी कि 15 अगस्त 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।